अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर अहमद, आपका ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो दोस्तों, ये HTML 5.0 और CSS 3 के लेआउट की पहली वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये एक फोल्डर बनाना है। ये देखें, ये मैंने एक फोल्डर बनाया है HTML 5.0 एंड CSS 3 कोर्स। तो इसको डबल क्लिक करूंगा तो इसके अंदर मैंने ये एक इमेजेस का फोल्डर बनाया है। उसके अंदर ये सारी इमेजेस रखी हैं जो कि इस कोर्स में हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस कोड एडिटर में जाता हूं। इसके लिए आपको एक कोड एडिटर की ज़रूरत है, चाहे वो ड्रीम व्यूअर हो या चाहे नोटपैड प्लस प्लस या कोई और हो, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस कोड एडिटर मैं आपको दिखाता हूं। ये है, ये नोटपैड प्लस प्लस कोड एडिटर है ये। तो इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। ये पिछली वीडियो में प्रीव्यू दिखाया था कि इस तरह का एक लेआउट हम बनाएंगे, जो इस वीडियो में मैं ख़त्म कर देता हूं। तो यहां से इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन साइन, डॉट टाइप, HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। यहाँ पे टाइटल दे देते हैं 0 एंड CSS3 लेआउट, और टाइटल क्लोज करते हैं। इसी तरह ही हम हेड टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ से बॉडी टैग शुरू, और नीचे आके बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, और इसी तरह ही हेड टैग को क्लोज करेंगे। दोस्तों, ये HTML 5 का पहला बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो एक न्यू, इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। तो लाइब्रेरीज में जाते हैं, यहाँ वीडियोस में जाते हैं। तो ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर इंडेक्स डॉट HTML के नाम से, इंडेक्स डॉट HTML एक्सटेंशन है। तो सेव करते हैं। तो ये देखें, इसका कलर कोड का ब्लू हो गया। तो एक और हमें फाइल बनानी है जो कि CSS के लिए है। कंट्रोल एस करते हैं, और उसको भी इसी फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट CSS के नाम से सेव करते हैं। तो ये दोस्तों, हमने दो फाइलें बना ली हैं, एक स्टाइल डॉट CSS और एक इंडेक्स डॉट HTML। इसको यहाँ जाते हैं, और ये इस फोल्डर के अंदर है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो ये देखें, ये टाइटल आ गया है HTML 5.0 CSS 3। तो ये दोस्तों बिल्कुल खाली है इस वक्त HTML 5.0 CSS 3 लेआउट। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इस वीडियो में हमने बना लिया है, और स्टाइल डॉट CSS की फाइल भी बना ली है। तो अगली वीडियो में आएंगे, उसके ऊपर पहले हेड सेक्शन में काम शुरू करेंगे।